मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नरसिंहपुर को छिंदवाड़ा की तरह मॉडल बनाया जाएगा और नरसिंहपुर में विकास होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा कैसे माफ होगा, खजाना तो खाली है। जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमने अभी पहली किस्त में 50,000 रुपये तक की राशि किसानों के खाते में डाल दी है और जल्द ही बाकी किसानों के कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने नरसिंहपुर में जिला अस्पताल का लोकार्पण किया, नरसिंहपुर में केर पानी पल का लोकार्पण भी किया और जिले को विकासशील बनाने के लिए कई योजनाओं का भूमि पूजन किया। नरसिंहपुर से राजकुमार पटेल की रिपोर्ट। 15 साल बाद आपके आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी और भारतीय जनता पार्टी ने कैसा प्रदेश हमें सौंपा, आप सुन रहे थे प्रजापति जी को और वित्त मंत्री जी को, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां तिजोरी खाली। ये तो खुद कहते थे, मैं नहीं कहता, ये खुद कहते थे तिजोरी तो खाली है। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जो पूरे देश में किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जो भ्रष्टाचार में नंबर 1, ये ऐसा प्रदेश हमें सौंपा। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी 9.5 महीने पहले? 9.5 महीने में 2.5 महीने तो निकल गए लोकसभा के चुनाव में आचार संहिता में, 7 महीने हमारे पास बचे कि मध्य प्रदेश का एक नया नक्शा कैसे बनाए। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे कृषि क्षेत्र की? चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की कितनी बड़ी चुनौती। हमने वचन दिया था कि हम शुरुआत करेंगे किसानों का कर्जा माफ करने में। किसानों का कर्जा हमने नरसिंहपुर में 20,322 किसानों का कर्जा माफ किया है और दूसरे चरण में जो पात्र हैं उनका कर्जा माफ किया जाएगा, जो डिफॉल्टर थे उनका कर्जा माफ किया। अब जिनके चालू खाते हैं 50,000 तक का तो माफ किया, अब बाकी उनका कर्जा माफ किया जाएगा। पर आपको भी एक बात समझनी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।